नमस्कार, आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ पढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि जीवन में जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो आप ईश्वर से चाहते हो, वो सब कुछ आपको बड़ी आसानी से आपके जीवन में उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे तीन ऐसे अद्भुत नियम जो कि यदि आप अपने जीवन में अनुसरण में लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर चीज जो आप इस ब्रह्मांड से, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं, वो सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पहले उस मुख्य बिंदु पर जो कि यदि आप अनुसरण करेंगे निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामना बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाएगी। बहुत से लोगों के मन में एक बात बड़ी ही शंकामान रहती है कि हम जीवन में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, इसकी शंका बनी रहती है। और जीवन में हम बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी शिकायत है बहुत से लोगों के मन में। तो आइए जानते हैं कि आप यदि अपनी कोई मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं तो कौन सा नियम आपको निभाना चाहिए। देखिए, ईश्वर जो है आपसे बहुत ही सरल चीज चाहते हैं। वे यह है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य का फर्ज भी यह होना चाहिए कि समानता के साथ इस विश्व में रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत से लोगों का एकमत नहीं रहता, और जो लोग एकमत नहीं रखते यानी कि ऐसा भाव नहीं रखते कि जिस प्रकार से मैं अपने लिए व्यवहार चाहता हूं, ऐसा व्यवहार यदि मैं दूसरों के साथ नहीं करता हूं तो निश्चित तौर पर आप जो भी कार्य कर लें, चाहे जितनी प्रार्थनाएं कर लें, वो सारी प्रार्थनाएं नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? ईश्वर का यह विधान क्यों बनाया गया है? देखिए, ईश्वर का विधान यह है कि जिस प्रकार से आप मनुष्य हैं और इस समाज का एक बहुत ही मुख्य भाग हैं, उसी प्रकार से समाज में रहने वाले अन्यत्र मनुष्यों के साथ आपको समान भाव रखना परम आवश्यक है। और यही बात श्री महाराज जी भी आपको सिखाते हैं कि सभी से समानता के भाव के साथ जीवन यदि आप यापन करेंगे, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करना दूसरों से प्रारंभ कर लीजिए, आपका पूरा जीवन क्षण भर में बदल जाएगा। बहुत ही सरल बात है लेकिन बहुत ही मुख्य तरीके से निभाने में बहुत से लोगों को कठिनाई आती है। करना सिर्फ इतना ही है, आप सोचिए कि जो व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग मेरी बहुत इज्जत करें, लोग मुझे बहुत अच्छा समझें, लोग मेरे साथ बहुत ही उत्कृष्ट व्यवहार करें, यही चीज आप आईने की तरह दूसरों के साथ करना प्रारंभ कर लीजिए। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं रह जाएगी जो ईश्वर पूरी नहीं करेंगे। बहुत सरल सा ये प्रयोग है, आप अपने जीवन में कुछ दिनों के लिए इसको करके देखिएगा, आप पाएंगे कि पूरा जीवन, ये सृष्टि ही आपके लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। आप जहां भी जाएंगे हर चीज से आपको प्रेम हो जाएगा, आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपके लिए बहुत ही उत्कृष्ट बन जाएगा, आप जहां पर जो भी बोलेंगे हर व्यक्ति आपकी बात को सुनना चाहेगा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, जीवन में अपनाइए और देखेंगे कि पूरा जीवन कितनी उत्कृष्ट तरीके से बदलना प्रारंभ हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे मुख्य बिंदु की ओर। दूसरे मुख्य बिंदु के अंदर ईश्वर आपसे एक बहुत ही आसान कार्य चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, भले ही बहुत से लोगों को ये नहीं लगता, बहुत से लोग इस शिकायत की ओर जोर देते हैं कि हम ईश्वर को बहुत मानते हैं या ईश्वर को बहुत मानते थे लेकिन हुआ क्या कि हमेशा ईश्वर मेरे साथ में ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं कि जैसे कि सबको सब कुछ दे दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला जीवन में, बहुत निराश रहते हैं। ये जो निराशा का भाव है ये केवल और केवल आपके मस्तिष्क के अंतर्गत ही है। समाज में और इस सृष्टि में ऐसा निराशा का भाव तो बनाया ही नहीं गया है। निराशा का भाव जो है, जो नकारात्मकता नाम का जो शब्द है, वो केवल और केवल हमने अपने मन में गढ़ा है। नकारात्मकता नाम की कोई चीज नहीं होती। जहां पर ईश्वर विद्यमान होते हैं
वहां पर केवल और केवल सकारात्मकता ही विराजमान रह सकती है, और नकारात्मकता जो है वो मनुष्य की केवल मस्तिष्क की एक बहुत तुच्छ सी सोच है। इसीलिए होता क्या है कि जब हम नकारात्मकता के प्रभाव से घिर जाते हैं तो उस समय हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हम यहां तक कि इतनी बड़ी शिकायत कर बैठते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारात्मकता के साथ देखने लगते हैं, बल्कि कुछ लोग तो यह भी कह देते हैं कि ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो असली नियम है वो यही है कि आप इस सृष्टि से प्रेम करना प्रारंभ करिए। ईश्वर की बनाई हर कृति में प्रेम को खोजिए, आप पाएंगे कि पूरा जीवन आपका ऐसे बदल जाएगा जैसे कि रात्रि के बाद जिस प्रकार से प्रकाशमान सुबह आती है उसी प्रकार से आपका जीवन भी हो जाएगा। होता क्या है, जैसे कि जब हम मन में नकारात्मकता के भाव लेकर आते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक चीजों से हटने लगता है, और जब हर घटना में हम नकारात्मकता को ही खोजने लगते हैं तो आप स्वयं बताइए, स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मकता आ सकती है। आप तो हर चीज को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसीलिए आपके जीवन में घटनाएं भी नकारात्मक होती हैं। ईश्वर सबसे बड़ा नियम यही सिखाते हैं कि सभी से प्रेम करिए। और महाराज जी को मानने वालों के लिए एक बात मैं बता दूं, महाराज जी की सबसे मुख्य शिक्षा स्तंभों में सबसे शीर्ष पर यही कहा गया है कि आप समाज से प्रेम करिए, जितने भी लोग आपको मिले सबसे एक जैसा व्यवहार बनाकर सभी से प्रेम पूर्वक आप मिलिए, सभी से प्रेम पूर्वक आप बातें करिए, सभी से आप प्रेम करना सीखें, तो आप पाएंगे कि ये समाज आपके लिए बदल जाएगा। जब मन में प्रेम का भाव उजागर होता है तो ये सृष्टि ही दूसरी लगती है आपको। इसीलिए आपको ऐसा लगने लगता है कि जिस आयाम में अभी तक आप अपना जीवन जी रहे थे वो आयाम तो है ही नहीं, आयाम तो यह था जहां पर अब आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बात कर लेते हैं तीसरे मुख्य बिंदु की ओर। तीसरे मुख्य बिंदु के अंतर्गत सबसे मुख्य बात आपको अब ज्ञात होगी। सबसे मुख्य बात यह है कि आप जीवन में प्रार्थनाएं करना प्रारंभ करिए। देखिए, प्रार्थनाओं को आध्यात्म में सबसे शीर्ष पर रखा गया है। बहुत से लोग प्रार्थनाएं करना ही नहीं जानते। प्रार्थना आखिर होता क्या है? प्रार्थना जैसा शब्द जितना सरल है उतना ही सरल ये उपयोग भी है। करना क्या है कि आप जिस भी इष्ट में आस्था रखते हैं, जैसे आप श्री महाराज जी को बहुत मानते हैं, महाराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु समझते हैं, तो महाराज जी के समक्ष अपने शब्दों में अपने हृदय की एक एक बात को कहना प्रारंभ करिए, क्योंकि जो बात हमारे मुख पर आती है वो बात इस पूरे संसार में विचरण करती है और उसी के अनुरूप आपके जीवन में घटनाएं होती हैं। तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि स्वयं ईश्वर को आप धरती पर बुला सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से, और प्रार्थनाएं आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत बहुत बड़ा किरदार निभाती हैं। इसीलिए प्रतिदिन कम से कम पूरे दिन में 2 बार आपको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, प्रातःकाल का समय बहुत ही उत्कृष्ट समय बताया गया है। प्रातःकाल में की जाने वाली प्रार्थनाएं ईश्वर बहुत सरलता से सुन लेते हैं, और उसी प्रकार से जब आपका दिन समाप्त हो रहा होता है उस समय भी ईश्वर को धन्यवाद करके प्रार्थना करके यदि आप सोते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपका दिन व्यतीत हो जाता है, और साथ साथ में आने वाले दिन के लिए भी आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हर घटना आपके जीवन को बहुत प्रभावी बना देती है और बहुत ही प्रभावित भी करती है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो हृदय से कहे जाने वाले हर शब्द इस ब्रह्मांड में जाकर बहुत ही अच्छी तरह से आकलित होते हैं, और ईश्वर के द्वारा संजोई हुई जीवन में उत्कृष्ट घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। इसीलिए आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करते हैं। इसीलिए प्रार्थनाओं को अपना जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। प्रार्थना अपने शब्दों में करना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे ये होगा, एकदम से नहीं होगा। दिन में पहले आप नियम बनाए कि कम से कम 1 बार आप प्रार्थना अवश्य करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जब प्रार्थनाएं करने में आपको थोड़ी सी सहजता का अनुभव होगा तो आप कम से कम 2 बार प्रार्थना पूरे दिन में अवश्य करें। पूरे जीवन को बदलने के लिए बहुत प्रभावी हैं तीनों नियम, जो 3 नियम आज के इस क्रमांक में आपको बताए हैं। जीवन में प्रयोग कीजिएगा, कुछ ही दिनों में आप पाएंगे, जी हाँ, कुछ ही दिनों में आपका पूरा जीवन आपको बदलता हुआ दिखेगा। बहुत शक्ति है इन तीनों नियमों में, इसीलिए जीवन में इन नियमों को अपनाना प्रारंभ करिए। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।